नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही खास। अगर आप सुंदर और मनचाही बीवी पाना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में पत्नी को रत्न स्वरूप माना गया है, पुरुष के जीवन को तारने वाली बताया गया है। लेकिन ये तभी संभव है जब पत्नी आपको और आपके परिवार को समझने वाली और हर वक्त में आपका साथ देने वाली हो। जैसे माता गौरी ने अपनी कठोर साधना से देवों के देव महादेव को प्राप्त किया था, वैसे ही आप भी मनचाही सुकन्या धर्म पत्नी के रूप में पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी साधना करनी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पत्नी रूपी रत्न को पाने के लिए हमें चलना होगा शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की शरण में, क्योंकि माता दुर्गा भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा को तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ध्याते हैं। माँ पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं। माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या इसके मंत्रों का जाप बहुत ही लाभप्रद होता है। इस नवरात्रि आप मनचाही धर्म पत्नी पाने की साधना की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अर्गला स्तोत्र में विभिन्न प्रकार की लौकिक और परलौकिक वस्तुओं के बारे में माँ से मंत्रों के जरिए विनती की गई है। अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक में लक्ष्मी रूपी पत्नी पाने के मंत्र का वर्णन किया गया है। मंत्र इस प्रकार से है, पत्नी मनोरमाम दही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक बार फिर से सुन लीजिए, पत्नी मनोरमाम दही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जी हाँ, श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप आपको मन के अनुसार चलने वाली सुंदर पत्नी की प्राप्ति करवा सकता है। अब इस मंत्र के अचूक फल को कैसे पाएं? तो ध्यान से सुनिए। इस मंत्र की साधना की शुरुआत नवरात्रि के चतुर्थी या अष्टमी से करें, इसी नवरात्रि से शुरू करें तो अति उत्तम। इस प्रयोग को अगले 41 दिन तक करें, यानी जब से शुरू करें उसके 41 दिन तक लगातार करें। मंत्र जाप शुरू करने से पहले माता दुर्गा का ध्यान लगाते हुए एक घी का दिया जलाएं, फिर माँ भगवती की वंदना के बाद मंत्र का जाप करें। रोज 5 या कम से कम एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप अगर आप एक ही समय और स्थान पर करें तो ज्यादा फलदायी होगा। यानी अगर आप रोज 8 बजे सुबह में जाप का नियम बनाते हैं तो नित्य यही समय रखें और स्थान भी वही होना चाहिए। मंत्र का जाप प्रातः काल में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर करें और इस तरीके से जब आप भक्ति पूर्वक और पूरे नियम के साथ इस प्रयोग को करेंगे तो निस्संदेह ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी प्रकार के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जगत जननी माता दुर्गा की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय माता की।